अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस पे, जोड़ों में जो दर्द होता है। आपने पेशेंट्स देखे होंगे, यहाँ से स्वेलिंग या ये घुटनों में दर्द और ये छोटे जोड़ों में दर्द। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल दे आगे देखने से पहले वीडियो सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक भी कर दें। जोड़ों का दर्द होता क्यों है? बात फिर वही है कि हमारा खाना इस तरह का हो गया है कि हम उसको सही तरह खा ही नहीं रहे या हम सही तरह पका ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ी कॉज है हमारी। एक और डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी अच्छी वीडियोस जा रही हैं। वो बार बार कहते हैं कि खाना गला के ना खाएं, गला हुआ खाना ना खाएं, खाना पका के खाएं। अब उसमें बड़ी अच्छी लॉजिक है। मैं भी आपको ये कहूँगा, जितने भी हमारे स्टील के बर्तन या इस तरह के एल्युमिनियम के बर्तन इस तरह के हैं, इनमें जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें खाना गलता है, या प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो खाना गलता है। जबकि जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो खाना पकता है। पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना शुरू करें। पाकिस्तान का एक मुकाम है हुंजा, मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, 15-20 दिन वहाँ रह के आता हूँ 2008 से। तो वहाँ पे जो एवरेज एज है वो 100 ईयर है। लोगों की औसत एज 100 साल है, 100 साल उनको कुछ नहीं होता। पहाड़ी इलाका है, जोड़ बिल्कुल कोई जोड़ नहीं दुखते उनके, ऐसे चढ़ते हैं वो जैसे गाड़ियां जैसे चल रही हैं, ऐसे पहाड़ लंबा होगा, बिल्कुल किसी जोड़ों में दर्द नहीं है। वहाँ के हम एक दो फोर्ट हैं, अलतित फोर्ट है, बलतित फोर्ट है, वहाँ गया मैं तो वहाँ बर्तन पड़े हैं। ये किस चीज़ के बर्तन हैं जी? पत्थर के बर्तन हैं। वहाँ के लोग जो उनका ट्रेडिशन है वो है पत्थर में पकाना, पत्थर के ही उन्होंने बड़े बड़े बर्तन बनाए हुए हैं। अब उसके दो फायदे हैं, पत्थर का बर्तन लेट गर्म होता है, आप उसको आग के ऊपर रखेंगे। मिट्टी की जो हांडी है जो पंजाब में मिलती है वो भी इसी तरह है, आप उसको रखेंगे आग पे तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ही ठंडी होगी। दोबारा आपको माइक्रोवेव में सालन गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हुंजा चूंकि ठंडा है, वहाँ पत्थर के बर्तन में बनाते थे और गर्म में होने में वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1 घंटा लगता है उस बर्तन को गर्म होने में और 4 घंटे बाद वो ठंडा होता है, हुंजा में जो पत्थर है। तो वहाँ के खाने लजीज, नो वहाँ आर्थराइटिस, कोई वहाँ जोड़ों का दर्द नहीं है। ये एक पहली मिसाल है। पंजाब में अगर आप रहते हैं या यूके में जो फैमिलीज रह रही हैं, यूके से ये आर्थराइटिस का ये मुझे आई है कॉल के आप आर्थराइटिस पे बताएं, तो वहाँ पे भी मिट्टी के बर्तन अवेलेबल हैं। आप मिट्टी के बर्तनों में बनाएं जैसे पहले बनाते थे। मीरपुर से जो गए हैं, जेहलम से गए हैं या पंजाब से गए हैं, वो सारे उनको पता है कि मिट्टी के बर्तन में किस तरह खाना बनाते हैं। नंबर एक पहली टिप तो ये, जोड़ों के दर्द के लिए आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं जो भी बनाना है आपने। दूसरा, कुदरती फूड का इस्तेमाल करें, जितना कुदरती फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि लहसुन अगर घर में आप काश्त कर सकते हैं, काश्त मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मकदार में, अब गमले में भी 2-3 पोथियाँ लगा देंगे तो उसके ऊपर लहसुन की वो सब्ज़ रंग की निकल आती है, तो उनको आप काट के सालन में इस्तेमाल करें। प्याज खुद फार्मिंग करें थोड़ी बहुत, यानी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल ना इस्तेमाल करें, डब्बे वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और कुदरती चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सादा पानी पिएं, गोश्त खाएं, बकरे का बहुत आला है, चिकन खाएं, देसी खाएं, ब्रायलर बच्चों को दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, लेकिन फीमेल्स अगर एडल्ट बनी हैं तो ना दें। इसके अलावा दालें सारी खा सकते हैं, पका के खाएं, गला के ना खाएं। नंबर पहला तो ये है। अच्छा, जोड़ों के दर्द में होता क्या है? पहले छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है, ये एक अलग पेशेंट्स की टाइप है।
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको घुटनों से ही स्टार्ट होता है। अब घुटनों से स्टार्ट होने की भी दो तीन कॉजेज हो सकती हैं। नंबर एक तो इनमें खला कम हो गया है, इसके अंदर टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो गए हैं, वापस में हड्डी रगड़ खाना शुरू हो गई है। दूसरा क्यों हुआ, उसकी कॉज क्या है, पहले ये ढूंढें हम। वेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेट ज़्यादा ना होने दें, अपना वेट मेनटेन रखें। कोशिश करें इस साल में 2-3-4 महीने तो जिम ज्वाइन करें ना, ताकि वेट आपका मेंटेन रहे। घुटने वही हैं, टांगे वही हैं, आप वेट बढ़ाते जाएंगे तो दर्दें ज़्यादा होती जाएंगी। पहले तो वेट को मेंटेन करें, उसके लिए आप चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें और वही बात नेचुरल चीज़ें खाएं जिनको बड़े जोड़ों में दर्द है। छोटे जोड़ों में और अगर है तो इसमें भी वही चीज़ें जो आप जो मैं आपको नेचुरल बता रहा हूँ वो करें। अब मैं आपको मेडिसिन की तरफ बताता हूँ कि कौन सी खानी है। अमूमन वैसे ये 40 साल के बाद होता है, यूके में 40-50 साल के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत है। हालांकि वहाँ कॉड फिश है, कॉड फिश अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाएँ, लेकिन फ्राई ना करें, ओवन बेक खाएँ तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जोड़ों का दर्द इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अब मस्जिदें ऐसी देख रहा हूँ जिसमें बहुत सी कुर्सियाँ रखनी शुरू हो गई हैं। पहले 1-2 कुर्सियाँ ही होती थी, अब तो एक पूरी लाइन हमारे यहाँ हो गई है कि 8-10 बेचारे जो बुज़ुर्ग हैं वो उन पर बैठे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेंड करना छोड़ देंगे, घुटने को बेंड करना छोड़ देंगे, तो ये बेंड नहीं होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी इसको बैंड करना ना छोड़ें। जब तक आपसे नीचे बैठ के नमाज पढ़ती है आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ना करें, वरना जब तक ये बैंड होता है इसको बैंड करें, वरना ये बैंड होना बंद हो जाएगा। तो ये लाजमी ये 2-3-4 टिप्स। और दूसरा घुटने की एक्सरसाइज, थोड़ा सा आप कैमरा नीचे करेंगे तो ये घुटना इस तरह आप पाँव के ऊपर सख्त चीज़ को हैवी चीज़ रख के अगर उसको सीधा करके इस तरह करेंगे और फिर सीधा करके इस तरह करेंगे, ये दोनों टांगे इकट्ठी करें तो उसमें बड़ा अच्छा आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ये घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर ये यहाँ आपके जोड़ों में दर्द हो गई है। अब हम मेडिसिन के मुतालिक बात करते हैं और बाद में आपको खुराक भी बताऊँगा। ये पहले खुराक ही बता देता हूँ। हल्दी का इस्तेमाल करें, हल्दी दूध के अंदर डाल के 1 चम्मच डेली आप इस्तेमाल करें नाश्ते में। नाश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग करें, दोपहर का खाना उससे कम करें और रात का खाना सबसे कम करें, ये भी ज़हन नशीन करें। इस ऐसे ना करें कि नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चाय बैड टी और दैट्स ऑल, और उसके बाद दोपहर को हल्का सा और रात को दबा के खा लिया, उससे वज़न कभी कम नहीं होगा और वज़न बढ़ता जाएगा, जोड़ों के दर्द बढ़ते जाएंगे, ये हरगिज़ ना करें। हल्दी का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा खाने में आप मटन और बीफ जो है उसका थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, ठीक, उस वो जोड़ों के दर्द के लिए इतनी अच्छा नहीं है। यूरिन का, आपका ब्लड प्रेशर और यूरिन में यानी कंप्लीट सही आना चाहिए आपको, अगर वो कम आ रहा है तो टेस्ट फौरन करवाएं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो एक लेदर टॉपिक है, उसके लिए भी आप नमक का इस्तेमाल बंद करें और कोशिश करें कि नमक जो है वो आप सी वाला नमक ना इस्तेमाल करें, दूसरा नमक इस्तेमाल करें जो पत्थर वाला है, जो सुरख पत्थर वाला है। अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। मेडिसिन में रूटा, जो छोटे दर्द जोड़ हैं, ये वाले जोड़ अगर यहाँ पे दर्द शुरू होए तो रूटा 30 में सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। इसके साथ मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x में 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, शुआबे की दोनों लें, बहुत अच्छा ये काम शुरू कर देंगे अगर बड़े जोड़ हैं। अच्छा, इसकी बड़ी एक खास सिम्टम है कि पेशेंट बोलता है कि मैं जब बैठा होता हूँ तो दर्द नहीं होती,
जब मैं चलता हूँ तो दर्द नहीं होती, जब मैं बैठने और उठने के दरमियान इस तरह उठने लगता हूँ तो तब पेन होती है। तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, साथ मैगफॉस 6x में 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम इस्तेमाल करें। हमारे बुजुर्ग अलसी की पिनियाँ बनाया करते थे, अलसी बहुत अच्छी है इसके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो अलसी सरसों के तेल में पिनिया, वो मैं आपको इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक बना दूंगा, वो उसमें आपको बनानी भी बता दूंगा कि किस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तो नहीं, उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये अलसी की पिनिया इस्तेमाल करें, जो आपको दवाइयाँ बताई हैं ये काफ़ी हैं। इससे अलावा और बहुत सी दवाएँ हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें किडनी इन्वॉल्व है, पेशाब आपको खुल को नहीं आ रहा, यूरिन खुल के नहीं आ रहा, तो बर्बेरस वल्गैरिस आप 13 क्यू में आप 5 कतरे सुबह 5 शाम ले सकते हैं। और जो दवाएं मैंने बताई हैं उसका आपस में गैप रखिएगा, 5 या 10 मिनट का गैप रखिएगा, एकदम एक दवाई के बाद दूसरी दवाई नहीं खाना। मिलिया एक मर्ज है, आंखों के नीचे इधर दाने बन जाते हैं, अगली वीडियो हम उस पर करेंगे। तो मेरा ख्याल मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।